हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जो स्टूडेंट्स हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और लास्ट टाइम हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी, फोटोकॉपियर और आपके पास लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अब हमारे पास इसकी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है। वैसे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस है वो तीन यही डिस्कस हैं, और उसमें थर्ड जो है वो इंकजेट प्रिंटर्स हैं। ठीक है, अब इंकजेट प्रिंटर्स जो है ना, ये फोटोकॉपियर से और लेज़र प्रिंटर से डिफरेंट हैं। किस सेंस में डिफरेंट हैं? असल में लेज़र और फोटोकॉपियर जो है वो ज़ेरोग्राफी पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ज़ेरोक्स मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ड्राई प्रिंटिंग होती है, इनमें इंक इन्वॉल्व नहीं होती। इनमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती थी वो टोनर इन्वॉल्व होता था, लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें इंक इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सबसे पहला तो ये डिफरेंस है कि इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं इनमें इंक इन्वॉल्व होती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपियर में इंक इन्वॉल्व नहीं होती, उनमें टोनर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और टोनर्स जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब असल में होता क्या है इस लेज़र इंकजेट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में हम इंक यूज़ करते हैं, और उस इंक को ना हम चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब उस इंक को हम इंक वैसे तो न्यूट्रल होती है, ठीक है, लेकिन हम एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, उसकी वजह से उस इंक के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर आपके पास डेट यूजेस इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। कि इसके जो पूरी वर्किंग में जो हम डिस्कस कर रहे होगे ना, वो चार्जेस डिस्कस कर रहे होगे, और ये जो असल में चार्जेस हैं ये वो ये जो हैं ये इंक के ड्रॉपलेट्स ही हैं जिनको हमने खुद चार्ज प्रोवाइड किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये इंकजेट जो होते हैं ये कलर्ड इमेज करते हैं या ब्लैक एंड वाइट, या लेज़र प्रिंटर जो होते हैं ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करते हैं या कलर्ड? तो लेज़र प्रिंटर भी जो है वो भी कलर्ड कर सकते हैं, उनको लेज़र उनको कहते हैं इंकजेट प्रिंट, उसको कहते हो लेज़र जेट प्रिंटर्स, जो बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जो आपके पास कलर्ड इंक के लिए यूज़ होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लेज़र जेट या इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं, लेकिन अब लेज़र जेट में वही होगा कि लेज़र जेट में जो आप इंक यूज़ करोगे वो टोनर की फॉर्म में होगी, और फोर कलर्स होते हैं आपके पास लेज़र जेट में भी, और आपके पास यहाँ पे इसमें भी इंकजेट में भी, और वो फोर कलर्स आप याद कर सकते हो इस तरह CYMK। सी जो है वो सियान कलर है जो कि ब्लू से कलर का होता है, वाई येलो, और एम जो है आपके पास यहाँ पे ये कलर है, और के जो है वो यूज़ होता है ब्लैक टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो अब इंकजेट प्रिंटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे अच्छा हम जो डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, हम सबसे सिंपल केस हम यहाँ पे सिंपल जो है वो ब्लैक एंड वाइट डिस्कस करेंगे, हम कलर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है इंक रिजर्वायर, जहाँ पे सारी इंक स्टोर होती है। तो अगर आप इंकजेट प्रिंटर्स के साथ देखो तो वो सेपरेट एक बॉटल्स अटैच्ड हुई भी होती हैं, फोर बॉटल्स, तो वो इंक रिजर्वायर हैं। उसके बाद एक प्रिंट हेड होता है, ये प्रिंट हेड जो होता है ये जिस पेज पे हमें प्रिंट कराना है ना, ये प्रिंट हेड उस पेज के ऊपर मूव कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, उसको प्रिंट हेड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड है चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो कि उस इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज प्रोवाइड करेगा, और ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप कहोगे कि ये कनेक्टेड किसके साथ है? चार्जिंग कंट्रोल, और ये चार्जिंग कंट्रोल जो है ये कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे भी वर्किंग में। उसके बाद जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है, और लास्ट में है गटर। ठीक है, और ये भी सिर्फ हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में देखे, इन सब की जो वर्किंग है अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप चीज़ नोटिस करो तो ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, इसकी डायग्राम में ये, और ये सारी डायग्राम जो है ये एक सीक्वेंस में डायग्राम है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये सारा सीक्वेंस में है चीज़ें आपके पास, इंक यहाँ से गुजरेगी और लास्ट में ये पेपर है जिस पेज के ऊपर मुझे प्रिंट चाहिए। सबसे पहले ये इंक सप्लाई है। अब मैंने यहाँ पे इंक सप्लाई, ये पूरी एक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो इंक सप्लाई है इसमें डेफिनेटली हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सा डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ लो इसके अंदर ब्लैक इंक स्टोर होगी। ठीक है, ये इंक एक रिजर्वायर है। अच्छा, उसके बाद जो है वो पंप है। ये पंप क्या करेगा? ये पंप इस इंक से, ये असल में पंप का ये काम है इस इंक को सप्लाई करना। कहाँ सप्लाई करना? प्रिंट हेड पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको ये खींच के, इंक को इंक आपके पास रिजर्वायर से खींच के ये इसको प्रिंट हेड में प्रोवाइड कर देगा। अब प्रिंट हेड में ना, प्रिंट हेड में होता क्या है, ये इंक तो चली गई, प्रिंट हेड में आ गई। प्रिंट हेड का ये है नोजल। होता क्या है, प्रिंट हेड मैंने कहा कॉन्टिन्यूसली इस पेज के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। ये प्रिंट हेड क्या करेगा, ये इस इंक के ड्रॉपलेट को लेगा, समझ लीजिए इसने एक इंक के ड्रॉपलेट को लिया
और ये इसको बहुत फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में इंक के ड्रॉपलेट को डिवाइड कर देते हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को हम एक विजिबल आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। और जब इस नोजल से देखो, आप ये चीज देख भी सकते हो कि इस नोजल का जो एंड है एज है वो बहुत स्मॉल है, तो जब इंक यहाँ से गुजरेगी निकलेगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में निकलेगी, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में गिरेगी। और दूसरी ये चीज़ कि ये जो प्रिंट हेड है ना, ये उन इंक के ड्रॉपलेट्स को एक वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं, मोमेंटम भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो इस पूरे कंपार्टमेंट में से गुजर सकें, ठीक है। तो होगा क्या, इंक सप्लाई से इंक पंप ने क्या किया, इस इंक सप्लाई से यहाँ पे इसको सक किया और वो इंक कहाँ प्रोवाइड कर दी, प्रिंट हेड में। प्रिंट हेड ने क्या काम किया, वो इंक को लेके उसको बहुत फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ से इंक निकाल दी, तो ये एक स्ट्रेट लेयर इंक की एक लेयर आ गई, ठीक है। अब वो जो इंक आई वो सबसे पहले आई हमारे पास इलेक्ट्रोड में, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड कौन कंट्रोल कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से इसको मिल रही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, फिर सेकंड स्टेप में आएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि वाइल आपके पास शटलिंग बैक एंड फोर्थ क्या होता है, टू एंड फ्रो, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जिस तरह ये मेरे पास पेज है जिस पेज के ऊपर मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, और ये मैंने कहा ये प्रिंट हेड है, तो प्रिंट हेड जो होता है ना वो इस पेज के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। पेज जो होता है वो वर्टिकली, अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर से पेज बहुत स्लोली बाहर आ रहा होता है, पहले थोड़ा सा आया 20% 40% 60% 80% फिर पूरा पेज बाहर आता है, तो असल में पेज जो है वो वर्टिकल मोशन कंट्रोल कर रहा है और ये जो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हेड है ये हॉरिजॉन्टल मोशन, तो ये जो प्रिंट हेड है इसके ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब ये यहाँ से यूं गया फिर पेज थोड़ा सा नीचे आया फिर इस तरह, ये तो ये टू एंड फ्रो मोशन इस पेज के ऊपर कर रहा होता है और ये पेज जो है वो वर्टिकल मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे कहा कि वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ का मतलब है टू एंड फ्रो आपके पास क्रॉस द पेपर, द इंकजेट प्रिंट हेड इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करेगा कि इंक को पंप से लेकर एक बहुत पतली सी स्ट्रीम बना देगा इंक की, जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट्स पास थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आएगा वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो होती हैं असल में इसका जो शॉर्ट नेम है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये इंशाल्लाह हमारा जो है इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आप जरा दोबारा डायग्राम में आओ, ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स थे, ये इंक के ड्रॉपलेट्स जो हैं इस प्रिंट हेड ने इस नोजल की हेल्प की इसकी मदद से इसके बहुत एक थिन स्ट्रीम बना लिया, ठीक है, बारीक सा, और ये अब कहाँ पे आ गए, चार्जिंग इलेक्ट्रोड में, ठीक है। अब चार्जिंग, अब कंप्यूटर से जो इसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी ना वो किस फॉर्म में मिल रही होंगी, 0-1 की फॉर्म में, समझ लो इसको ये मिली इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से, इस तरह कॉन्टिन्यूसली मिल रही होती हैं। सबसे पहले इसको मिला 0, 0 का मतलब है कि इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को 0 मिला। इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को जब 0 मिला तो इसने इस इलेक्ट्रोड को ऑफ कर दिया। अब इस इलेक्ट्रोड को ऑफ करने से हुआ क्या कि इनके जो ड्रॉपलेट्स थे छोटे छोटे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, ठीक है। अब मैंने कहा, अब कंप्यूटर ने इस चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन दी 1 से क्या होगा, ये चार्जिंग कंट्रोल इसको कहेगा, इस इलेक्ट्रोड को कहेगा ये ऑन हो जाए। जब ये इलेक्ट्रोड ऑन होगा तो ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज आता किस तरह है इंक के ड्रॉपलेट्स के ऊपर, इसकी आप बेसिक सिंपल सी थ्योरी ये समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक जो ये इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड असल में, ये इलेक्ट्रोड और ये जो प्रिंट हेड है इनके दरमियान क्रिएट होती है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज प्रोवाइड, इनको डायपोल बना देती है, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इन एटम्स को आयनाइज कर देती है, आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर देती है और पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट कर देती है, ठीक है। और ये जो प्रिंट हेड है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो जो नेगेटिव चार्जेस होके वो सारे ग्राउंड से होके वो सारे इस प्रिंट हेड से होके ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। और चार्जिंग के इस प्रोसेस को कहते हैं बाय इंडक्शन। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो कि किसी एक चीज़ को चार्ज प्रोवाइड करना कि उसके एक साइड उसके सारे एक चार्जेस को हम स्टोर कर लें और दूसरे चार्जेस को ग्राउंड कर दें, इसको कहते हैं बाय इंडक्शन।
तो मैंने दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रोड और प्रिंट हेड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन पॉजिटिव या आपके पास नेगेटिव में से कोई एक चार्जेस इस प्रिंट हेड में से होकर ग्राउंड में चले जाएंगे और उन इंक के ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं इन इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो अब जब ये इंक के ड्रॉपलेट्स इस इलेक्ट्रोड से बाहर निकलेंगे ना, तो ये हैं तो इंक के ड्रॉपलेट्स ही, लेकिन अब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये आए डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। ठीक है, अब समझ लो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट नेगेटिव। मैंने नीचे वाली प्लेट नेगेटिव बना ली। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, अब ये जो सारे इंक के ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव, और ये बहुत, मैंने आपको कहा कि ये जो है ये एक जेट की तरह निकलते हैं बहुत स्पीड से, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस मतलब जो इंक है ये बहुत स्पीड से इस डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेंगे। जब ये इतनी स्पीड से डिफ्लेक्शन प्लेट्स की में से आके गुजरेंगे तो नाम में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन, तो ये जो है इन पॉजिटिव चार्जेस को डिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये इन चार्जेस को इधर ले आए, बिल्कुल नेगेटिव पे ले आए। इस तरह आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हो, अगर एक गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही हो और अगर आप उसको एकदम से मुड़ने के लिए कहो तो कभी भी वो उस जगह पे मुड़ नहीं पाएगी, गाड़ी जो है वो स्वैप करते हुए मुड़ेगी, है ना, डिफ्लेक्ट होते हुए मुड़ेगी। इसी तरह ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इंक है, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगी लेकिन इनकी हाई वेलोसिटी, हाई मोमेंटम की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गए सिर्फ, और ये डिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आ जाएगी, गटर में। ठीक है, और ये जो गटर है ये गटर असल में कनेक्टेड होता है इंक सप्लाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे गटर का जो ये काम है वो ये काम है कि जो इंक यूज़ नहीं हो रही ना अभी, क्योंकि अभी देखो ये वो पेज था, ये वो एक पेपर है जिस पे मुझे प्रिंट चाहिए, तो अभी तो इस पेज पे कोई प्रिंट ही नहीं आया। हुआ क्या, ये इंक के ड्रॉपलेट्स आए डिफ्लेक्शन प्लेट से, उनको डिफ्लेक्ट किया और वो गटर से पास होकर दोबारा इंक सप्लाई में आ गए। तो ये काम सारा तब होगा जब मुझे पेज के ऊपर प्रिंट नहीं चाहिए। और ये कौन बता रहा होगा कि कब पेज के ऊपर प्रिंट चाहिए, कब पेज के ऊपर प्रिंट नहीं चाहिए, ये बता रहा होगा कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर किस तरह बता रहा होगा, कंप्यूटर बता रहा होगा इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन ऑफ करके। अभी इसने चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन किया, चार्जिंग इलेक्ट्रोड करने ऑन करने की वजह से क्या हुआ, इस पेज के ऊपर प्रिंट आया, कोई प्रिंट नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूँ इस पेज के ऊपर कोई प्रिंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस चार्जिंग कंट्रोल को ऑफ कर दूंगा। अब जरा समझो क्या होगा, जब मैं चार्जिंग कंट्रोल को ऑफ करूंगा तो ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स थे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रह गए, तो ये मुझे यहाँ पे न्यूट्रल ही मिलेंगे। जब न्यूट्रल चीज़ डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेगी तो डिफ्लेक्शन प्लेट उसको डिफ्लेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर न्यूट्रल इंक के ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजरेंगे तो उन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी और वो इंक के ड्रॉपलेट्स स्ट्रेट जाके इस पेज से स्ट्राइक कर देंगे, तो मुझे पेज पर प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने एक्सप्लेन किया है इधर। सबसे पहले थर्ड पॉइंट है इसकी वर्किंग में कि व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स, आपके पे यहाँ पे आपके पे रीजन्स ऑफ द पेपर डेट आर नॉट टू बी इंक्ड। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी इंक, मुझे पेज पे इंक नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज टर्न ऑन एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश बिटवीन प्रिंट हैंड एंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो है ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अब होगा क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, अब वो कह रहा है कि एज द ड्रॉ पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्वायर अ नेट चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो मैंने भी आपको बताया कि बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन उनके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज आ जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर जो नेट चार्ज आया पॉजिटिव आया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने लूज किया होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज ही आया होगा। अच्छा, तो ये तो सारा ये क्या हो गया, अब उन इंक के ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब क्या होगा, ये तो सारा काम कर दिया चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने, अब वो गुजरेगा डिफ्लेक्शन प्लेट से। नेक्स्ट है कि द डिफ्लेक्शन प्लेट्स डाइवर्ट द चार्ज ड्रॉपलेट्स इनटू अ गटर एंड थस प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द पेपर। तो जब वो गटर में चली जाएंगी तो वो पेज तक तो नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये हमने सारा वो पार्ट देखा। जब एक चीज याद रखो, स्टूडेंट्स जो इसमें कन्फ्यूज होते हैं ना, जब मुझे पेज के ऊपर प्रिंट नहीं चाहिए ना, मतलब उस पार्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस पार्ट पे प्रिंट हेड अभी पेज के ऊपर अटैच्ड है, मुझे जिस पेज, जब मुझे पेज के ऊपर जिस पार्ट पे इंक नहीं चाहिए तो मैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन करूँगा, और जब मुझे पेज के ऊपर प्रिंट चाहिए तो मैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर दूंगा। ये वाला पॉइंट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पेज के ऊपर इंक मिले। ठीक है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह आप इसी चीज़ की एग्जाम्पल ले लो।
जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये जो है ये फिजिक्स का ये पेज है बुक का, तो ये मैंने प्रिंट कराना है। अब देखो सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो ये वाइट पार्ट है, ठीक है। अब ये प्रिंट हेड अभी यहाँ पे अटैच्ड है इस तरह, तो प्रिंट हेड कंप्यूटर इसको ये बताएगा कि यहाँ पे इंक नहीं चाहिए, है ना, ये वाइट पार्ट में तो इंक की जरूरत ही नहीं है। तो प्रिंट कंप्यूटर प्रिंट हेड को ये बताएगा हमें इंक नहीं चाहिए, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होने से होगा क्या, वो इंक के ड्रॉपलेट जो है वो आगे पर गटर में चले जाएंगे और इस पेज के पार्ट में इंक नहीं आएगा। अब ये लिखा हुआ आ गया फॉर एफ आ गया, अब F पे मुझे इंक चाहिए, है ना, F को बनाने के लिए मुझे इंक के ड्रॉपलेट्स चाहिए। तो अब कंप्यूटर जो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड को बताएगा कि अब हमें पेज पे इंक चाहिए, तो वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा कंप्यूटर, और जो इंक के ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट होके इधर स्ट्राइक कर जाएंगे, ठीक है। तो यही वो पार्ट है कि जब मुझे पेज के ऊपर इंक चाहिए तो क्या होगा। फिर मैंने यही कहा कि वेन एवर इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज प्रोवाइड कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही थी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऑफ हो गई, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हो गई तो इंक के ड्रॉपलेट्स क्या है, अनचार्ज। तो वो कह रहा है कि द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। तो अब ये जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट से आगे पर गुजरेंगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब इंक के ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। डिफ्लेक्शन प्लेट्स हमेशा चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है और वो डायरेक्ट जाके पेज के ऊपर स्ट्राइक कर देगी। अब आपकी बुक में जो उसने वो केस बताया हुआ है ना, वो पाकिस्तान लिखना चाह रहा है, तो उसने पी ए के लिखना है, ठीक है। अभी इंक का प्रिंट हेड यहाँ पे आया, प्रिंट हेड ने देखा यहाँ पे हमें कोई भी इंक नहीं चाहिए, तो प्रिंट हेड ने उसको चार्जिंग कंट्रोल कंप्यूटर ने कहा कि उसको जो है ऑन कर दो, इंक के ड्रॉपलेट्स चार्ज हुए वो गटर से होके। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में इंक कभी भी ज़ाया नहीं होती, जब पेज पे इंक नहीं भी चाहिए ना तो वो गटर से गुजर के इंक सप्लाई में जा रही है, इंक रिजर्वायर में जा रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू।